अच्छा नेक्स्ट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक प्रेग्नेंसी ठीक है अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेगनेंसी क्या होती है नॉर्मली इम्प्लांटेशन किधर होनी है यस yes, यूट्रस में लेकिन अगर कहां हो जाए एनी प्रेगनेंसी जो कि इम्प्लांट होती है अदर देन द यूट्राइन कैविटी इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी उसको हम लोग क्या कहेंगे प्रेगनेंसी कहेंगे ठीक है अब ये यूट्राइन कैविटी से बाहर जाके कहां इम्प्लांट होती है तो बहुत सारी साइट्स हैं 98 परसेंट यानी ये अगर ओवरीज हैं और ये फिलोपियन ट्यूब्स हैं ठीक है और यहां पे आपका जो है वो यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर नहीं इम्प्लांट हो रही तो फिलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन नाइन्टी एट परसेंट किसमें होती है फिलोपियन ट्यूब में होती है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर हो सकती है फॉर एग्जाम्पल ओवरी में भी हो सकती है एपडोम में भी हो सकती है ठीक है सो so, एबडोमली भी इम्प्लांट हो सकती है और समटाइम ऐसे होता है कि अगर किसी का दो या दो से ज्यादा सी सेक्शन होना तो वो जो सी सेक्शन का स्कार होता है ना सी सेक्शन का कट होता है उस स्कार के बीच आके प्रेगनेंसी चिपक जाती है ठीक है वो भी बहुत हैवीली ब्लीड और इवन मिटर्नल डेथ भी कॉज कर सकती है सो so आपने याद रखना है कि जो सी सेक्शन के स्कार्स होते हैं उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है अब अगर हम ओवरऑल इसके रिस्क की या इंसिडेंस की बात करें कि कितनी ज्यादा ये कॉमन है तो कहते हैं हर अस्सी में से एक प्रेगनेंसी आज की डेट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है डेवलप्ड कंट्रीज में भी अगर हम देखें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से थर्टीन परसेंट तक डेथ्स हो जाती हैं ये इतनी ज्यादा सुवेयर है कोई इतनी मामूली बात नहीं है और डेवलपिंग कंट्रीज में देखें जैसे कि हमारे मुल्क में तो थर्टी परसेंट जो है वो एक्टोपिक की वजह से डेथ्स हो जाती हैं एक दम उसने यूज की हुई है हिस्टेरोस्कोपिक या हिटेरोस्कोपिक आई गैस हिटेरोस्कोपिक प्रेग्नेंसी हिटेरोस्कोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं बेटे जब एक टाइम में ना बॉडी में दो प्रेग्नेंसीज और वो दो डिफरेंट जगहों पे हैं ठीक है यानी एक प्रेग्नेंसी क्या है साइमल्टेनियसली अक्रेंस ऑफ टू प्रेग्नेस ये ट्वेंटी या थर्टी थाउजेंड में एक बंदे के साथ ऐसे होता है यानी दो प्रेग्नेंसीज है एक प्रेग्नेंसी यूटरस में इम्प्लांट हो गई है और एक ट्यूब में हो गई है या एक ओवरी में हो गई है ठीक है तो इसको क्या कहा जाता है हिस्टेरो हिटेरो टॉपिक है देख लीजिएगा बुक से हिटेरोस्कोपिक प्रेग्नेंसी और ये लेस कॉमन है लेकिन ये एट द सेम टाइम काफी kada डेंजरस भी है अब अगर हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी यानी क्यों आउटसाइड द यूट्रस जाके वो इम्प्लांट हो रही है इसकी ट्योलॉजी की बात करें या रिस्क मतलब कॉजेस की बात करें कि ऐसा क्यों होता है ऐसा इस वजह से हो सकता है कि अगर ट्यूबल इन्फेक्शन uh, है या ट्यूब्स के लेवल पे कोई मसला है सबसे ज्यादा ठीक है नंबर वन के अगर ट्यूब्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है तो वो इस चीज को प्रॉन करती है वो इतनी ज्यादा मोबाइल नहीं होती तो एम्ब्रियो जो है वो पहुंच ही नहीं सकता यूट्रस uh, में वो वहीं ट्यूब्स में रह जाता है ठीक है यूजली क्लीमीडियल इन्फेक्शन या अगर प्रीवियस एक टॉपिक है तो फिर रिस्क फाइव टू नाइन परसेंट बढ़ जाता है दोबारा से एक टॉपिक होने का या प्रीवियसली कोई भी ट्यूबल सर्जरी हुई है वो उसकी मोबिलिटी को इफेक्ट करती है उससे भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है देन कहता है कि अगर कोई भी फंक्शनल ऑल्टरेशन है ट्यूब्स uh, के अंदर या फिर जो आपकी मटर्नल एज है नंबर टू अगर मटर्नल एज जो है वो ज्यादा है तो वो भी एक रिस्क है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए नंबर थ्री अगर मदर स्मोकर है तो वो भी अगेन एक रिस्क है या एटोलॉजिकल फैक्टर है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज करने के लिए ठीक है एडिशनली भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि अगर वुमेन की कोई अबडोमिनल सर्जरी हुई हुई है तो वो उसको स्प्रॉन कर देती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के रिस्क के लिए या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है इसी तरह प्रीवियसली वो कहता है कि अगर उसकी अपन डेप्थमी भी है तो भी हो सकती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी उसके अलावा बेटे अगर उसका सी सेक्शन हुआ हुआ है या उसने इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज की हैं यूजली जो कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकती है आईवीएफ किया हुआ है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अटेम्प्ट की है तो उससे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है उसके बाद सीओसीपीज मॉर्निंग पिल्स अगर यूज की हैं तो उससे भी हो सकती है और इवन एंडोमेट्राइटिस अगर है यानी एंडोमेट्रियम का मसला है एंडोमेट्राइटिस कहते हैं जैसे एक टॉपिक तरह कहतेमिट्रियम के टिश्यू यानी यूट्रस की लेयर है ना एंडोमिट्रियम के टिश्यू अगर यूट्रस के अलावा कहीं और पड़े हुए होंगे तो दैट इज एंडोमिट्राइटिस एक्टॉपिक एंडोमिट्रियल टिश्यूज आर नोन एज एंडोमिट्राइटिस सो एंडोमिट्राइटिस भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है सो so क्या है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी है कहां हो सकती है फिलोपियन ट्यूब ओवरी एबडोमन या सी सेक्शन के स्कार में रिस्क काफी ज्यादा है इट्योलॉजी में ट्यूबल डिसफंक्शन ट्यूबल इन्फेक्शन ए स्मोकिंग एबडोमिनल सर्जरी या सीओसीपीज या आईवीएफ या मॉर्निंग पिल्स या एंडोमेट्राइटिस ये सारे जो है वो ये कॉज कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की कि वुमन जो है वो आपके पास किस तरह से आती है अगर एक टॉपिक प्रेग्नेंसी हो तो नंबर वन बेटे वही होगा एबडोमिनल पेन होगा ठीक है क्योंकि एक टॉपिक सर्वाइव तो करती नहीं है ज्यादा सिर्फ एब्डोमिनल एक टॉपिक सर्वाइव कर सकती है उसके बाद हैवी ब्लीडिंग होगी और आपके पास यूज़ुअली वो प्रेजेंट कर जाती है इसी केस के साथ ठीक है बहुत स्वेयर या लेस या रेयर केसेस में ऐसे होता है टॉपिक ट्यूब में थी और पता ही नहीं चला और बढ़ती गई बढ़ती गई और ट्यूब एकदम रप्चर हो गई रप्चर ट्यूब जब होती है तो फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इतनी ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मैंने केस देखा भी है इसका उसकी डेथ हो गई एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग से वो किधर चली जाती है हाइपो में हाइपोवलीमिया में जाती है तो उसका बीपी गिरता है बीपी गिरता है तो उसकी डेथ हो जाती है हाइपोवलिमिक शॉक की वजह से और यहाँ मैं आपको सारी फिजियोलॉजी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है आप तो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वोमेन कैसे आती है आपके पास या तो डोमिनल पेन के साथ ज्यादातर केसेस में और ब्लीडिंग के साथ लेकिन अगर वो रप्चर हो जाएगी तो फिर बहुत स्वेर ब्लीडिंग होगी और उससे हाइपोवलीमिया और इवन डेथ भी हो सकती है और बेटे ऐसे भी होता है कि जब एक टॉपिक रप्चर होती है ना तो ब्लड जो है वो पेरिटोनियम में जाके जमा होता है उससे डायाफ्राम की इरिटेशन होती है और शोल्डर टिप पेन के साथ भी आती है वो अगर वुमेन इस तरह की कंप्लेन के साथ है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है या क्या नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करनी है बिफोर ट्रीटमेंट सबसे पहले तो यही कि अगर उसको हाइपोवालमिक शॉक है तो आप उसको एबीसी अप्रोच करें

जस्टेशनल एग भी नजर आ रही है योक्स एग भी नजर आ रही है तो अगर मुझे बेटे यूट्रस के अंदर ही सब नजर आ रहा है यानी जस्टेशनल एग भी नजर आ रही है योक्स एग भी नजर आ रही है फीटल कार्डिक एक्टिविटी भी है तो ये तो एक टॉपिक को एक्सक्लूड कर देती है क्योंकि एक टॉपिक तो वो है कि जब प्रेग्नेंसी यूटरस में नहीं है अगर यूटरस में नजर आ रही है तो फिर तो ये टॉपिक है ही नहीं फिर दूसरे केस में ऐसे हो सकता है कि यूट्रस आपको ना बिल्कुल इम्पटी नजर आए ठीक है यूट्रस आपको बिल्कुल क्या नजर आए इम्पटी नजर आए एक एडिनेक्सल मैस होगा और एडिनेक्सल टेंडरनेस है ठीक है जो कि कर टच करने पर फील होगी तो इसका मतलब है कि एक है कि लेकिन थर्ड ये भी हो सकता है कि फ्री फ्लोइड आपको नजर आ रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी पे अगर फ्री फ्लोइड की प्रेजेंस है तो दिस इज रप्चर एक्टॉपिक ठीक है तो ये तीनों डिफ्रेंशिएट हो जाती है ट्रांसफेनल अल्ट्रासोनोग्राफी पे और लास्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करनी होती है एचसीजी लेवल वैसे तो एच लेवल बढ़ रहे होते हैं पॉजिटिव प्रेगनेंसी में लेकिन अगर एक टॉपिक होगी या रिस्क वाली प्रेगनेंसी होगी तो उसमें ये लेवल कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे होंगे या टाइम टू टाइम वेरी कर रहे होंगे अब लेकिन आपने क्या करना है ये मेन टूल होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन है लेकिन इन इन्वेस्टिगेशन की बेस पर भी मैं कभी भी एकदम एक टॉपिक एक नहीं लेबल करूंगी मैं उसको लेबल करूंगी प्रेगनेंसी ऑफ अनोन लोकेशन और बाद में डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म करके ही हम उसको एक टॉपिक लेबल करते हैं और फिर बताते हैं कि एक टॉपिक है तो किस जगह है अगर वो मुझे यूट्रस में नजर नहीं आ रही तो वो कहां नजर आ रही है जब तक लोकेशन फाइंड आउट नहीं होती प्रेगनेंसी ऑफ अन नोन लोकेशन इसको लिखा जाता है ठीक है तो इस तरह से बेटे अब मैंने आपको क्या क्या, क्या चीजें बताई हैं टॉपिक उसकी एटियोलॉजी uh, uh, उसके बाद हमने उसकी uh, वो डिस्कस किया कि किस तरह से पेशेंट आती है और आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है तो लास्ट चीज़ आपके पास क्या आती है कि टॉपिक को आपने ट्रीट कैसे करना है ट्रीटमेंट ऑप्शन अगेन वही जैसे कि हमारे पास मिस कैरेज में थी तीन ट्रीटमेंट ऑप्शन है नंबर वन हम तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे छोड़ देते हैं कुदरत पे छोड़ देते हैं उन पेशेंट्स को जो हीमोडानेमिकली स्टेबल होती हैं और एसिम्टोमेटिक होती हैं नंबर टू मेडिकल ट्रीटमेंट होता है नंबर थ्री सर्जिकल सर्जिकल उनमें जो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही होती है और हीमोडायनामिकली स्टेबल नहीं होती उनमें फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं सो so, एक्सपेक्टेड में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है वो तो आपको पता है नंबर टू हमारे पास क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है कहता है ज्यादातर टॉपिक साइमल्टेनियसली खुद ही खत्म हो जाती है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में Uh, जो हिमोडानेमिकली स्टेबल हो सिमटोमेटिक हो हम उनको एक्सपेक्टेड uh, करते हैं सिर्फ उनको एक एडवाइस करते हैं कि एचसीजी लेवल घर में चेक करती नहीं जब तक के निल नहीं होते अगर नहीं हो रहे तीन चार हफ्तों बाद तो फिर हमारे पास वापस आए अब मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग करते हैं इसमें बेटे आपने याद रखना है इंट्रामस्कुलर अब बच्चे ने इसको मिस कैरेज के साथ कंफ्यूज करते हैं वहां पे हमने माइजोप्रोस्टोल और माइफीप्रेस्टॉन दी थी लेकिन यहां पे आपने मीथोट्रेक्सेट देनी होती है क्या देनी होती है मिथोट्रेक्सेट सो इंट्रामस्कुलर मिथोट्रेक्सेट देते हैं उन पेशेंट को जिनमें मिनिमल सिम्टम्स हो ठीक है और मिथोट्रेक्सेट की तीन इंडिकेशन आपने याद रखनी है नंबर वन ये कि मिनिमल सिम्टम्स हो नंबर टू ये कि पेशेंट हिमोडाइनेमिकली स्टेबल है यानी उसका बीपी वगैरह इतना ज्यादा गिराव नहीं है नंबर थ्री कि एडिनेक्सा में जो आपको मैथ नजर आ रहा है ना उसकी साइज जो है एडिनेक्सल मैथ का साइज लेस देन 40 मिलीमीटर mm है और बीटा एचसीजी के जो लेवल्स हैं वो लेस देन 3000 इंटरनेशनल पर यूनिट हैं तब आप मिथोट्रेक्सेट दे सकते हो वरना नहीं देते अब मिथोट्रेक्सेट अगर देनी है तो मिथोट्रेक्सेट क्या काम करती है मिथोट्रेक्सेट ना फोलिक एसिड एंटेगनिस्ट है क्या है फॉलिक एसिड एंटेगनिस्ट है और ये जाके इफेक्ट करती है ट्रोफोब्लास्ट को और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जितनी भी माइटोसिस है या प्रोलीफ्रेशन है उसको इनहेबिट कर देती है जब वो इन्हीबिट हो जाएगी डीएनए नहीं जायराफोलिक एसिड नहीं बनेगा डीएनए नहीं बनेगा ट्रोफोब्लास्ट पर जब प्रोलिफरेशन नहीं रुक जाएगी सारी तो ऑटोमेटिकली ये प्रेगनेंसी बॉडी से अबॉर्ट हो जाएगी या निकल जाएगी ठीक है कितना मिथोट्रेक्साइड देना है बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है फिफ्टी एमजी पर के के लिहाज से हम लोग देते हैं और एडवाइस पेशेंट को ये करनी है ये रेगुलर आपने मीथोट्रेक्सेट देने के बाद क्या करना होता है एचसीजी मेयर करना होता है कब कब सात तीन दिन बाद सात दिन बाद ग्यारह दिनों बाद और वीकली जब तक के वो फाइव से नीचे नहीं चला जाता ठीक है अब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कुछ लोग ऐसे हैं कि मीथोट्रेक्सेट उनमें नहीं दी जा सकती फॉर एग्जाम्पल वो जिनको ऑलरेडी कोई हिपैटिक यानी कोई लिवर रीनल या हिमैटोपियोटिक यानी ब्लड वेसल या ब्लड का कोई भी डिसऑर्डर चल रहा है ठीक है उनको आप नहीं दे सकते नंबर टू वो पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है उनको भी आप मिथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते नंबर थ्री वो वुमेन्स जो कि ब्रेस्ट फीड करान रही है वो भी मिथोट्रेक्सेड नहीं ले सकती है क्योंकि फिर ये मिल्क में पास होगी और नंबर फोर वो जिनको कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन है बॉडी में मीथोट्रेक्सेट वो नहीं ले सकते हैं मीथोट्रेक्सेट देने से कुछ कॉम्प्लीकेशन होती है मेरे पेपर में इसकी कॉन्ट्रेडिकेशन और कॉम्प्लीकेशन उन्होंने पूछी थी सो बेटे होती थी ना बहुत ही ज्यादा आसान सा कॉन्सेप्ट है म्यूनो कॉम्प्रोमाइज को नहीं देंगे वैक्सीन भी तो नहीं ना देते म्यूनो कॉम्प्रोमाइज को ब्रेस्ट फीडिंग को इन्फेक्शन है तो नहीं देना कोई भी सिंड्रोम है तो नहीं देना क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इससे बहुत शदीद एबडोमिनल पेन होता है नंबर वन नंबर टू ये कि इसकी वजह से कंजेक्ट होता है यानी आंख के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है कंजेक्टाइवा का कंजेक्ट होता है नंबर थ्री स्टोमोटाइटस होता है सो एसीसी ठीक है स्टोमोटाइटस होता है उसके बाद कहते हैं कि इससे कुछ जीआईटी के सिम्टम्स आ सकते हैं पेट शेट खराब हो सकता है आपका और साथ में ना फोटो सेंसीटिविटी हो जाती है यानी जब वो रोशनी में जाएगा तो रैशेस बनेंगे इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं कि वो रोशनी वगैरह में ना जाए अब एडवाइसेस भी आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं कि अगर एक प्रेगनेंसी थी एक टॉपिक थी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कर दिया तो अब आप पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को हम ये एडवाइस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि उसने एच लेवल जरूर मैयर करने हैं कब थ्री थ्री डे पे एच का टेस्ट करना है सेवन पे कराना है इलेवन पे कराना है देन वीकली कराना है जब तक के ये लेवल निल नहीं हो जाता नंबर टू हमने वो, वो ये देनी है कि वो इंटरकोर्स को अवॉइड करेगी इस 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 ड्यूरेशन में उसके बाद वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी या नेक्स्ट कंसेप्शन को भी अवॉइड करेगी फॉर एटलीस्ट थ्री मंथ्स नहीं करनी उसके बाद हम उसको कहते हैं कि वो अल्कोहल को भी अवॉइड करेगी ठीक है अवॉइड अल्कोहल और उसके बाद ना सनलाइट में जाने को भी अवॉइड करे ठीक है अवॉइड एक्सपोजर टू सन क्योंकि फोटोसेंसीटिविटी हो सकती है तो क्या एडवाइसिस दी है हमने एच मेजरमेंट अवॉइड इंटरकोर्स अवॉइड प्रेगनेंसी अवॉइड अल्कोहल अवॉइड सन एक्सपोजर ठीक है और फाइनल ट्रीटमेंट हमारे पास आ जाता है सर्जिकल सर्ज में दो ऑप्शन हो सकती है हमारे पास या तो हम लेप्रोस्कोपी करते हैं जो कि ज्यादातर की जाती है और वैसे हम लोग भी कर देते हैं लेकिन वो ऑल्टरनेटिवली किया जाता है लेकिन ये तो प्रोसीजर के नाम है ना सर्जरी क्या करनी है सर्जरी में बेटे आके पास दो ऑप्शन है उनको अच्छे तरीके से समझना है देखो ऐसे होता है ना वुमेन की बॉडी में दो फिलोपियन ट्यूब है ठीक है दो फिलोपियन ट्यूब है सही है और फिर ये आगे आके ना यूट्रस है तो एग तो कहीं से भी आ सकता है ठीक है अब अगर इस आ, आ, में एक टॉपिक प्रेगनेंसी है ठीक है और दूसरी ट्यूब ती, ती, बिल्कुल नॉर्मल है वो नॉर्मल काम कर रही है तो मुझे पता है दूसरी से नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो सकती है तो ये वाला मैं सिनेरियो बता रही हूं कि अगर वन ट्यूब के अंदर क्या है एक्टॉपिक है और जो अदर है दूसरी ट्यूब है वो बिल्कुल नॉर्मल है तो इस केस में आप लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग करते हैं सेल्फ इंजेक्टमी क्या करते हैं सेल्फ इंजेक्टमी सेल्फ का मतलब होता है फिलोपियन ट्यूबजेक्टमी निकाल देते हैं हम पूरी एक साइड की फिलोपियन ट्यूब लॉन्ग विथ प्रेग्नेंसी निकाल लेते हैं कब जब दूसरी ट्यूब नॉर्मल है लेकिन अगर एक ऐसी पेशेंट है जिसकी दूसरी ट्यूब के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी और उसकी ना सर्जरी हुई हुई थी पहले या दूसरी ट्यूब उसकी ब्लॉक पड़ी हुई है वो ऑलरेडी काम नहीं कर रही अब यहां पर एक टॉपिक है ये ऑलरेडी काम नहीं कर रही ये भी मैंने निकाल दी तो ये तो कभी मानी बन सकती दोबारा तो फिर इस केस में हमने क्या करना होता है इसमें हम लोग तो एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ एंड क्या कहते हैं सेल्फ एंड कि मैं इधर होल क्रिएट करूंगी होल क्रिएट करके इस प्रेगनेंसी को निकाल दूंगी और ट्यूब यहीं रहने दूंगी ठीक है दिस इज सेल्फ एंड लेकिन सेल्फ एंड करने से दोबारा इसी ट्यूब में एक टॉपिक होने का रिस्क बढ़ जाता है सो so ये फिर हमने डिसाइड करना होता है लेकिन अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है और एक अनवांटेड टॉपिक हो गई है तो फिर हम सेल्फ एंड कर सकते हैं ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स प्रेजेंटेशन uh, एंड उसकी प्रेफरेंस पे अच्छा उसके बाद बेटे ये होता है कि आपने एक टॉपिक के बाद मस्ट जो है वो उसका ब्लड ग्रुप कराना है और जितनी भी आर एच निगेटिव वुमेन्स होती हैं उनको आरएचएनटीडी दिया जाता है और ये 50 uh, uh, या 250 फिफ्टी इंटरनेशनल यूनिट भी हम दे हैं विद इन सेवेंटी टू आवर्स तो मोर देन इनफ होता है अब आपकी बुक के अंदर ना आखिर में दो चीजें जो हैं बड़ी uh, डिस्कस की है वो मैं आपको बता देती हूँ वन टर्म इज हाइपर एम एस एस ग्रेविडेरम आपको पता हैं प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग तो होता है लेकिन अगर नोजिया वॉमिटिंग इतना ज्यादा स्वेयर हो जाए कि बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं हाइपर एम एस एस ग्रेविडेरम मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ एसोसिएटेड होता है और पेशेंट को हम एंटीबाइटिक फ्लूइड और वगैरह देना शुरू कर देते हैं फिर एक टर्म होती है जीटी डी इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज इसका सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर ना अंगूर के गुच्छे की तरह की अपेयरेंस होती है क्लस्टर ऑफ ग्रेप वेजिकल अपेयरेंस होती है और एचसीजी लेवल्स जो हैं वो रेज uh, होते हैं परसेंट परसिस्टेंटली मिसकैरेज के बाद भी रिस्क फैक्टर इसके लिए कोई प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी माँ की ज्यादा एज या एशियन ओरिजिन हो सकता है और प्रेगनेंसीज जिसमें कंप्लीट या पार्शियल मोलर हो सकते हैं मोलर प्रेगनेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपको अलग समझाऊंगी मैनेजमेंट ही होती है कि इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं यूट्राइन इवैकुएशन कर देते हैं सक्शन क्यूरेटाज से और सीरियम एच की मेजरमेंट करते रहते हैं और एस्ट्रोजन को हमने अवॉइड करना है सो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स अगर पास हो रहा है तो वो जी या मोलर प्रेगनेंसी है और अगर डिहाइड्रेशन हो गई है लॉन्ग विद नोजिया वॉमिटिंग तो दिस हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लाइक एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो भी लिखवा दूंगी और साथ में हम लोग इसकी ये जो सेल्फ असेसमेंट है ये भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है